सोचो कि सिर्फ एक एग्जाम आपको टॉप नॉच कॉलेज में पहुंचा दे। सोचो अगर ऐसा हो कि सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने से आप JNU, BHU, DU, JMI और AMU जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएशन करने का मौका पाओ। काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये पॉसिबल है? सो द आंसर इज अ बिग यस। ये पॉसिबल है सिर्फ एक एग्जाम से, जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको आप आम भाषा में CUET के नाम से भी जानते हैं। So, hi everyone, my name is Rebecca Aga and in this video session I am going to tell you all about CUET exam. कब होता है CUET exam? क्या होता है CUET exam का पैटर्न? किस तरह से आप प्रिपरेशन करें कि आप पहली ही बार में अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लें, और आपको कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि पढ़नी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि वो इस वीडियो को जरूर से जरूर फॉलो करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि उनको इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो फर्स्ट टाइम में ही अपना एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाए। ये कोई मामूली एग्जाम नहीं है, बल्कि ये एग्जाम एक बहुत बड़े लेवल पे कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम है। इसमें 15 लाख से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ये एग्जाम आपका मई से अप्रैल के बीच में हो जाता है और इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। आई वुड से 250+ यूनिवर्सिटीज। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, इसके अलावा डीम्ड और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी हैं। सोचो इतनी सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर रेडी कि वो आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन करिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल कर पाए। एंड यू वॉन्ट इवन बिलीव कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस तो ऐसे हैं जिनमें बच्चों को कॉलेज प्लेसमेंट्स जब मिलते हैं तो उनके पैकेज जो होते हैं वो 35 लाख पर एनम भी होते हैं। इट इज शॉकिंग बट इट इज रियल। और ये एग्जाम आपका मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है। अब काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर मैम मुझे CUET की प्रिपरेशन करनी है तो मैं किस तरह से करूं? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको आपकी गोल और आपकी डेस्टिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका, आइए जानते हैं। जब आप यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब आप जब CUET का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, काफी सारे सेम कोर्सेज भी मिल जाएंगे। हो सकता है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट हो, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उसके लिए किसी पर्टिकुलर कोर्स का क्राइटेरिया डिफरेंट हो। यानी कि जब आप एग्जाम दोगे CUET का, तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, दूसरा आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो। जब आपको ये चीजें क्लियर होंगी तो आप एक साइट पर जाओगे CUET.summer.ac.in। जब आप इस साइट पर जाओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर उसमें आपको नंबर ऑफ कोर्सेज दिखाई देंगे, अपना डिजायर्ड कोर्स चूज करिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप चेक करने जाएंगे तो उसमें आपको दिखाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सो आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करना है या चूज करना है, क्योंकि आपको उन्हीं के ही एग्जाम्स देने पड़ेंगे। फिर अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो आप प्रेपरेशन करोगे वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट पे बेस्ड होगी, क्योंकि आपको क्लियर है कि आपका गोल क्या है, राइट? जैसे अगर मैं बात करूं BA ऑनर्स की, BA में आपको ऑनर्स करना है और दैट टू इन हिस्ट्री, तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपसे बोलेंगे सिर्फ हिस्ट्री का एग्जाम दे दो, चल जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे बोलेंगे आपको लैंग्वेज और GP तो देना ही पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे बोलेंगे आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन देना है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटीज कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो। इसीलिए मैंने बोला यूनिवर्सिटी मैटर करती है और कोर्स मैटर करता है। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम हम कब से स्टार्ट करें? तो बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, है ना? So, आपको अभी से ही लग जाना है, आपके पास टाइम बहुत कम है। दिसंबर ऑलमोस्ट गॉन, राइट? आपके पास जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई में आपका एग्जाम है। मतलब ले दे करके अगर आप मोटे मोटे महीने गिनोगे तो आपके पास 4 महीने, मई में तो आपका पेपर ही स्टार्ट हो जाएगा, राइट? अब इतने कम टाइम में आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, और साथ ही साथ में सिर्फ प्रिपेयर ही नहीं करना, उसमें अच्छा भी स्कोर करना, क्योंकि अगर आप टॉप नॉच कॉलेज में जाना चाहते हो, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी की, सो ऑब्वियसली आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। किसी अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मिलाकर के 800 मार्क्स बन रहे हैं, तो उस 800 मार्क्स में से कम आपको 750 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, राइट? सो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। जैसे ही आप शुरू करोगे वैसे ही आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होगी। काफी सारे बच्चे बोलते हैं मैम 12th के एग्जाम चल रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करें? सो आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज है, पहले आप डोमेन को फोकस करके चलो, बाद में आप लैंग्वेज और GP को साइड में
प्रिपेयर करते हुए चलना है। हाँ, अभी आप क्या कर सकते हो, आप डोमेन पे ज्यादा फोकस कर सकते हो और बाकी जो सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन है उन पे कम, जैसे लैंग्वेज और जीडी को अभी आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, बट जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो आपको इनको भी बहुत ध्यान से प्रॉपर वे में फोकस करके चलना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये भी सवाल करेंगे कि मैम इसका लेवल कैसा होता है, तो सीयूईबी का लेवल बहुत हाई फाई नहीं होता, लेकिन हाँ 12th के कंपैरिजन में इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज आ जाती है और जीटी आ जाता है। अब जीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं, करंट अफेयर पूछी जा रही है, रीजनिंग पूछी जा रही है, मैथ्स पूछी जा रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो आपको एक्स्ट्रा तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है कि मैम हम बुक्स कौन से इस्तेमाल करें, कौन सी बुक्स को यूज करें। सो आप सभी लोगों को बता दूं, सबसे अच्छी अगर आप बुक्स मानते हो फॉर योर डोमेन प्रिपरेशन तो वो है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से अच्छा कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी इज द निचोड़ ऑफ एवरीथिंग। लेकिन आपको ये चीज भी समझनी होगी कि एनसीईआरटी में आपको जो 12th में डिलीटेड सिलेबस है वो छोड़ देना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको डिलीटेड और नॉन डिलीटेड दोनों पोर्शन ही कंप्लीट करना होता है। वहां पर आपको रीड बिटवीन लाइन करनी पड़ती है, एक एक चीज को आपको अच्छे से समझना पड़ता है, और तब जाकर के आप एनसीईआरटी का जो पूरा निचोड़ है उसका पेपर देकर के आते हो अपने सीयूईटी के एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम मैं लैंग्वेज कहाँ से प्रिपेयर करूँ, मैं जनरल टेस्ट कहाँ से प्रिपेयर करूँ। सो एक बार आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस अगर पता हो जाए तो आप बहुत ही आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। सो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का सिलेबस स्पेसिफिकली जानना है तो हमारी Udemy 24/7 की ऐप पर आपको कंप्लीट बुक्स प्रोवाइड करी जा रही हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी ओरिएंटेड हैं, जिसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस है इंक्लूडिंग पीवाईक्यू एंड प्रॉपर कॉन्सेप्ट नॉलेज। सेम फॉर जनरल टेस्ट और आपका जो कंप्लीट पोर्शन है जनरल टेस्ट का उसके लिए भी। अब आप यहाँ पर देखो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो और आपको कब से शुरू करना है। हर एक बच्चे की एफिशिएंसी अलग होती है और हर एक बच्चे को अपनी किस्मत खुद लिखनी है। सो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप उस भीड़ की तरफ भागना चाहते हो जो सिर्फ आपको भटका रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या फिर आप अडिग होना चाहते हो, आप रिजोल्यूट होना चाहते हो और आप एक डायरेक्शन में चलना चाहते हो जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, सही गाइडेंस मिले और आप किसी भी गलत डायरेक्शन में भटको नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है और वो चाहता है कि उसकी प्रिपरेशन बेस्ट ऑफ बेस्ट हो जाए, तो वो सीयूईटी अड्डा के चैनल को एक बार जरूर विजिट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर बहुत कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पर आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन मिलती है। और ये सिर्फ इसी साल से ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से हम सीयूईटी की, पिछले 2 सालों से मैं बोल सकती हूँ कि हम सीयूईटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और आप जैसे बच्चों को उनको एक सही डायरेक्शन देकर के उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू।